Hello friends, good morning. I am Abhishek from Abhishek Competition Coaching YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel Abhishek Competition Coaching. आइए बात करते हैं इस वीडियो में हाउ टू स्टडी कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स. आपको कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स किस तरह से पढ़ाई करनी है इसके बारे में, इसमें हमने कुछ तरीका बनाया है. इसकी मदद से आप बिल्कुल एक महीने के अंदर इसकी पढ़ाई कर सकते हैं. तो इसी के बारे में बात करें इस वीडियो में. तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने में हेल्प मिलती है. तो चलिए इसको शुरू करते हैं. कॉम्पिटिटिव मैथ्स ग्रुप, देखिए सबसे पहले मैंने जो भी आपको कॉम्पिटिटिव मैथ इसको शुरू करना है तो सबसे पहले इसका मैप हमको तैयार होना चाहिए. हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और इसकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हमने कॉम्पिटिटिव मैथ का ग्रुप बना दिया. तो आपको पूरा 7 ग्रुप में पूरा मैथमेटिक्स आ जाएगा. तो अब देखिए वही सब ग्रुप के नाम. तो सबसे पहला ग्रुप है परसेंटेज ग्रुप. इस ग्रुप में जो भी चैप्टर परसेंटेज से रिलेटेड है उसी को मैंने यहाँ पे ऐड किया है परसेंटेज ग्रुप में. दूसरा जो चैप्टर है वो है मैथ्स टूल. आपको मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जो सब चैप्टर की ज़रूरत पड़ती है सबको मैंने इसमें इंक्लूड किया है. तीसरा है लैंग्वेज ग्रुप. मैथमेटिक्स को बनाने के लिए, मैथमेटिक्स को समझने के लिए लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लैंग्वेज टाइप का जितना भी ग्रुप था सबको मैंने इस ग्रुप में डाला. नंबर चौथा जो है वो है वर्किंग ग्रुप, यानी काम और समय से संबंधित जो ग्रुप है उसको मैंने इसमें डाला. फिर पाँचवा है स्पीड ग्रुप, यानी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी मैथ के चैप्टर है सबको इस ग्रुप में डाला. उसके बाद फिगर ग्रुप, मैथमेटिक्स का वैसा चैप्टर जो कि फिगर के दम पे बनता है और उसके लिए हमको फिगर की ज़रूरत पड़ती है, वैसे को फिगर ग्रुप में डाला मैंने. उसका नंबर 7 जो है इंजीनियरिंग मैथ्स. क्लास 11-12 में जो ही मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जो कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स के सिलेबस में इंक्लूड हो गया आ गया है, उसको मैंने इंजीनियरिंग मैथ के ग्रुप में डाला है. तो अब देखिए परसेंटेज ग्रुप में कौन कौन से चैप्टर है. तो परसेंटेज ग्रुप में है सबसे पहला परसेंट चैप्टर, यानी प्रतिशत. नंबर 2 जो है वो है लॉस एंड प्रॉफिट, यानी लाभ तथा हानि. नंबर 3 है डिस्काउंट यानी बट्टा. नंबर 4 है पार्टनरशिप. नंबर 5 है सिंपल इंटरेस्ट. और नंबर 6 है कंपाउंड इंटरेस्ट. यानी ये जो 6 चैप्टर है ये सब में परसेंट का चर्चा है. और परसेंट का मतलब, परसेंट के सिंबल का मतलब 1/100. और परसेंट का मतलब कि सब परसेंट पर आधारित है. और एक दिन में यानी आपको बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे ये 6 का 6 चैप्टर बन जाएगा आपसे. एक्स्ट्रा कोई आपको ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगला जो ग्रुप है वो है मैथ टूल्स, यानी इसमें हम मैथमेटिक्स के जितना भी ग्रुप मतलब कि चैप्टर है जो कि एक टूल्स की तरह काम करता है आपके कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, तो उसको मैंने इसमें डाला. डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न. अलजेब्रा जिसमें बीजगणित का चर्चा होगा, फ्रैक्शन यानी भिन्न. एलसीएम तथा एससीएम. और स्क्वायर तथा स्क्वायर रूट. क्यूब तथा क्यूब रूट. और उसका फिर बॉडमास रूल, ट्रिगोनोमेट्री. फिर नंबर जो चैप्टर है वो है इंडेसिज एंड सर्च यानी घातांक तक करने. यानी ये जो 9 चैप्टर है ये सब आता है मैथ टूल्स के अंतर्गत. और इस मैथ टूल्स में आप इसको बना लेते हैं तो एक ही साथ बना लेते हैं. इसमें जैसे कि एक टाइप के चैप्टर को आप एक साथ बनाइएगा तो रिवाइज में भी आसानी होगी, सीखने में भी आसानी होगी. अगला जो चैप्टर है वो है लैंग्वेज ग्रुप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मैथमेटिक्स का. इसमें सबसे पहला जो चैप्टर हुआ है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति. नंबर 2 है सिंप्लीफिकेशन. नंबर 3 एवरेज. नंबर 4 एज रिलेटेड क्वेश्चन यानी आयु संबंधी प्रश्न. नंबर 5 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात तथा समानुपात. छठा है एलिगेशन यानी मिश्रण. यानी इस लैंग्वेज ग्रुप में 6 चैप्टर है और इस 6 चैप्टर को पढ़ने का बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट है कि इसमें सिर्फ आपको लैंग्वेज सीखना है और क्वेश्चन बन जाएगा. और ये जो लैंग्वेज आप सीखिए ये पूरा मैथमेटिक्स में काम करेगा. नंबर 7 जो है और नंबर ये अगला जो ग्रुप है वो है वर्किंग ग्रुप. इस वर्किंग ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर जो कि काम और समय पर आधारित है, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड टैंक. बस ये 2 चैप्टर है. ये भी बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मूला भी बनता है दोनों चैप्टर. अगला जो है स्पीड ग्रुप, जो कि स्पीड रिलेटेड जो भी चैप्टर है उसको मैंने यहाँ पर डाला है. स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ये सबसे पहला चैप्टर है, चाल समय दूरी. अगला जो चैप्टर है वो है बोट एंड स्ट्रीम तथा नाव तथा धारा. इसके बाद है ट्रेन यानी रेलगाड़ी. उसका फिर रेस है, दौड़ है. फिर है एवरेज स्पीड. यानी ये 5 चैप्टर में ये सब के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, वो है 4 = दूरी बट्टा समय. अगला जो है ग्रुप है वो है फिगर ग्रुप, यानी कि आपको आकृति के द्वारा, चित्र के द्वारा आपको चैप्टर बनाना होगा.
सबसे पहला है ज्योमेट्री, इसके दम पे आपको हम सिखाते हैं कि कैसे आकृतियाँ बना सकते हैं इजिली। नंबर टू है एरिया, नंबर थ्री वॉल्यूम, नंबर फोर है हाइट एंड डिस्टेंस, नंबर फाइव ग्राफ, नंबर सिक्स पाई चार्ट, नंबर सेवन टेबल एंड डेटा। फिर अगला जो ग्रुप है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है और सभी स्टूडेंट को ये इसको सीखने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसमें है लॉगरिथम, बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम, एस्ट्रो तथा शेयर, नंबर सीरीज, टाइम एंड क्लॉक, कैलेंडर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। अब यानी ये जितना भी मैंने बताया मैथ के चैप्टर को सबको मैंने ग्रुप में डिवाइड किया और इसको आप एक ग्रुप में रहकर इसका आप तैयारी कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे इसको सीखने के लिए आपको किस तरह से इसको सीखना पड़ेगा और आपको मेरा रूल अपनाना पड़ेगा और वो देखिए कुछ इस तरह से। मैथ की पूरी तैयारी आपको होगी सिर्फ और सिर्फ एक महीने में, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ाई करने पर आप बिल्कुल एक महीने में पूरा मैथ ख़त्म कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारा स्मार्ट वीडियो कोचिंग तथा मास्टर नोट्स लेना होगा। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि बिना किसी फॉर्मूला पे, बिना किसी ट्रिक पे कैसे बनाते हैं मैथ के क्वेश्चन एक दिन में एक चैप्टर। हम आपको सिखाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में स्मार्ट वीडियो कोचिंग के माध्यम से। इसमें आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, मैं एक चैप्टर पढ़ना इसमें एक चैप्टर पढ़ना होगा, दो घंटे की एक वीडियो होगी। इस दो घंटे के वीडियो में आप पूरी तरह से मैथ के एक चैप्टर को सीख सकते हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल है फिर भी आप इसको सीख सकते हैं क्योंकि मैंने इसको स्टूडेंट के मैथ सीखने के प्रॉब्लम को आधार बनाकर इस स्मार्ट वीडियो कोचिंग को शुरू किया है। आप हार्ड कॉपी में मास्टर नोट्स भी ले सकते हैं। मास्टर नोट्स का जो प्राइस है, ये जो प्राइस है ये फुल कोर्स का है जो कि इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जी, करंट अफेयर सब मिलती है। तो ये सब को फुल कोर्स का है 999 और है वीडियो सॉल्यूशन 499। तो आपको सिर्फ मैथ सीखने के लिए आपको यही देना पड़ेगा वीडियो सॉल्यूशन 499। आप इस सिर्फ और सिर्फ 500 में आप एक महीने के अंदर पूरा मैथमेटिक्स का वीडियो लिंक और हमारा मास्टर नोट्स ले सकते हैं। और आप हमारा मास्टर नोट्स का फुल कोर्स लेते हैं तो भी आपको ले सकते हैं। और यहाँ पे ये रहा इसका पेमेंट का प्रोसेस, आप इस माध्यम से पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने के बाद आप हमें देखिए पेमेंट करने का जो प्रोसेस है कुछ इस तरह से रहा। और पेमेंट करने के बाद आपको क्या करने पड़ेगा, पेमेंट के बाद बैंक रसीद का फ़ोटो खींच कर या फिर ऑनलाइन पेमेंट का सक्सेस मैसेज का स्क्रीनशॉट हमें इस नाम पर भेजना है। और आपको ये बताने कि कौन सा कोर्स चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। तो अब आप देखिए कि आपको जो और सब जो कोर्स है मेरा मैथ को छोड़ करके जो कि GK साइंस ये सब है, तो उसका मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। जो कि देखिए कुछ इस तरह से है, जैसे कि इस नोट्स मतलब इस नोट्स की खास बात है, इसको मैंने लिखा 75% क्वेश्चन गारंटी होगी किसी भी एग्जाम में आने की। और सभी चैप्टर डिवाइड किया गया सेक्शन वाइज, एवरी क्वेश्चन आर इन नंबर वाइज। मास्टर नोट्स का एक चैप्टर मैं आपको डेमो ग्रुप में दिखा रहा हूँ, जैसे ये चैप्टर फिजिक्स का साउंड वेव का, इसे मैंने सबसे पहले मैंने डाला डेफिनेशन यानी परिभाषा। साउंड वेव चैप्टर में जितना भी परिभाषा हुआ सबको मैंने यहाँ पर एक जगह पर कलेक्ट किया। इसके बाद इस परिभाषा को याद करते हैं तो आपको पूरा यानी कि ये पूरा चैप्टर आ जाती समझ में। इसका फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यानी इस चैप्टर के अंदर जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है सबको मैंने नंबरिंग वाइज यहाँ पे डाला है यहाँ पे, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। उसका फिर अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इस नोट्स की, वो है अब तक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। यहाँ पर देखिए कि साउंड वेव चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सबका मैंने यहाँ पे एक जगह पे कलेक्शन कर दिया, तो इससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। और आप यदि सोच लिए कि आपने इस साउंड वेव चैप्टर को एक बार आपने पढ़ लिया, आप इसको कर लिए, तो आपको कम से कम इस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये रहा आपको इस पेमेंट करने का, ये रहा प्रोसेस। और पेमेंट के बाद आपको ऐसा करना होगा फिर आपको मिल जाएगी।
और यदि आपको हार्ड कॉपी में चाहिए नोट्स या फिर वीडियो कोचिंग